हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 7.5 तक के सॉल्व किया है, लेकिन जो ये रूल है, रूल ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें से कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं। तो यहाँ पे हम आज सिर्फ चार तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो उनके बेसिक रूल पे डिपेंड होता है। तो हमने इसके पहले देखा है कि अगर एलएचएस में कोई टर्म प्लस में है तो उसको जब हम आरएचएस में भेजते हैं तो वो जाती है माइनस। यानी सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट को ही आरएचएस में ट्रांसपोज करना है। एलएचएस में अगर माइनस है तो जब आरएचएस में जाती है तो हो जाती है प्लस। एलएचएस में अगर मल्टीप्लाई है तो आरएचएस में जब जाएगी तो हो जाएगी डिवीजन में, और एलएचएस में अगर डिवीजन में है कोई एक टर्म तो जो आरएचएस में जाएगी तो हो जाएगी वो मल्टीप्लीकेशन में। अब कभी कभी क्या होता है कि आरएचएस में भी वेरिएबल के टर्म्स होते हैं, उनको जब एलएचएस में लाना है, आरएचएस से एलएचएस में, लिख लेता मैं एलएचएस, यहाँ लिख लेता हूँ आरएचएस, ठीक है। तो आरएचएस में भी अगर वेरिएबल की कोई टर्म है तो उसको हमें लाना पड़ता है एलएचएस में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिमिलरली जैसे एलएचएस टू आरएचएस होता है, वैसे ही आरएचएस टू एलएचएस होता है, यानी उधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगी तो डिवीजन में, उधर डिवीजन में इधर आएगी तो मल्टीप्लीकेशन में, उधर एडिशन में इधर आएगी तो सब्ट्रैक्शन में, उधर सब्ट्रैक्शन में इधर आएगी तो एडिशन में। चलो तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिया है, एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 29 है। अब यहाँ पे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे 21 हटाना है यहाँ से। इसको हटाने के लिए हम 21 को आरएचएस में लेके जाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिश करना, ठीक है। तो वी राइट हियर ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग 21 टू आरएचएस, ठीक है। यहाँ पे ये एडिशन में उधर जाएगी तो फिर उसके अपोजिट यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। देयरफॉर वी विल राइट हियर एक्स प्लस 21 इक्वल टू 29 एज इट इज। 21 उधर गया, सॉरी ट्रांसपोज करना, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 29 और 21 को ट्रांसपोज कर दो तो हो गया माइनस 21। देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पे 8। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें 12 को आरएचएस में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 12 है वो एडिशन, इसके पहले जो साइन है वो एडिशन का है, उधर जाएगा तो फिर सब्ट्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर माइनस एक्स। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू ये 7 एज इट इज, और 12 को उधर भेजो तो हो गया माइनस 12। देयरफॉर माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 7 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 5। सो राइट हियर माइनस 5। अब देखो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ से माइनस साइन हटाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने देखा कि पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करनी है, साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन आती है पॉजिटिव, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एक्स इंटू वन हो गया एक्स। तो विल राइट हियर एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5 × 5 एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब ऐसा एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2/5 × x है, 2/5 x मतलब 2/5 × x, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 2/5 को हम आरएचएस में भेजेंगे, है ना। यहाँ पे देखो आप, ये जो 5 है या फिर पूरा 2/5 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, या तो एक साथ पूरा 2/5 को भेजो या सिर्फ पहले 5 को भेजेंगे फिर 2 को, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो होगा डिवीजन में। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग 2/5 टू आर एच एस। देयरफॉर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डिवाइडेड बाय 2/5। अब देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो 10, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/2, तो मल्टीप्लाई 5/2। देखो अब 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 हो गया, 5 × 5 = 25, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप कैसे कर सकते हो, और ट्रांसपोजिंग सबसे पहले किसको ट्रांसपोज करो आप, यहाँ पे सबसे पहले ये तो रहने था 2/5, सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 5 को। सो विल राइट हियर ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग 5 to RHS, ठीक है। सो यहाँ से 5 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2x, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 10,
यहाँ 5 डिनोमीटर में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, मतलब न्यूमेटर में, तो मल्टीप्लाई 5, 5 डिवीजन में, आरएचएस में गया तो मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 50। अब 2x की वैल्यू 50 आ गई। अब यहाँ से हमें 2 को हटाना है, तो 2 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा 50 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 25। चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 1/5, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, 5 यहाँ डिवीजन में है, जब आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग 5 टू आर एच एस, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 1 5, 5 1 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमें ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करना है, गॉट इट।